आपको बता दें पूरा मामला बांदा जिला के लेखपाल संघ भवन का है, जहां पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय आवाहन पर धरना जारी है। धरना प्रदर्शन एवं संपूर्ण कार्यवहिष्कार में जनपद बांदा के समस्त लेखपाल बंधु एवं लेखपाल बहने उपस्थित रहे तथा सभा का संचालन विजय शर्मा ने किया। आज का धरना 13 दिन संपूर्ण कार्यवहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन में रामकृष्ण त्रिपाठी महामंत्री संयुक्त राज कर्मचारी परिषद जनपद बांदा शामिल रहे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार लेखपाल संवर्ग का उत्पीड़न बंद नहीं करती है तथा उनकी मांगे नहीं मानती तो संयुक्त राज्य कर्मचारी परिसंघ भी इसके समर्थन पर आ जाएगा। इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगा। लेखपाल शिवचंद यादव जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ बांदा ने कहा कि अब की बार आर पार की सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। इस मौके पर राजकुमार सोनकर, गुलाब सिंह, गौरव सिंह, लालमन यादव, दिनेश यादव, रामवरण यादव, रविंद्र धीरेन्द्र कुमार, निशा देवी, संजना वर्मा, प्रियंका, निधि गुप्ता, रजनी सिंह हरे, प्रीति कुशवाहा, खुशबू गुप्ता, पूजा गुप्ता, रत्ना चौहान, सृष्टि पांडे, अर्चना त्रिपाठी, अमरीश वाजपेयी, सर्वेश कुमार, राजेंद्र सिंह पटेल, अभिषेक गुप्ता, सतीश खड़े, ब्रिजेश कुमार, नंद किशोर पटेल सहित सैकड़ों लेखपाल उपस्थित रहे। क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं? ये हमारी 8 सूत्री मांगे हैं जी। हमारी पहली मांग है कि जो हमारा वेतन जो ग्रेड है उसे चेंज किया जाए। 2000 से 28 चुकी है सरकार। राजस्व परिषद ने हमारे जो चेयरमैन हैं वो पूर्व में इसकी संतुष्टि भी कर चुके हैं शासन को, लेकिन वित्त विभाग ने हमारी 2800 ग्रेड पे की मांग को इग्नोर कर दिया। इसी के साथ दूसरी मांग हमारी ये है वेतन विसंगति। हमारे जो लेखपाल हैं उनको 2000 का ग्रेड पे है, इसके बाद जब 10 साल नौकरी करते हैं तब उनको 24 साल मिलता है। हमारे साथ का जो चपरासी है वो उसको भी 1900 का ग्रेड पे है, लेकिन जब 10 साल हो जाते हैं तो उसका भी 2400 का ग्रेड पे हो जाता है। क्योंकि लेखपाल और चपरासी में अंतर है, सरकार ने हमारे उस ग्रेड पे को उठाकर 10 साल बाद चपरासियों के बराबर कर दिया है। ये बिल्कुल विसंगति है, सरकार ने इसकी संशोधन भी की है। हमारे जो प्रांतीय हमारे जो राजस्व परिषद ने चेयरमैन साहब ने है उन्होंने इसकी संशोधन की है। सरकार ने अपने मांग पत्र में रखा भी है, सरकार ने हमारे मांग पत्र को माना भी है, कार्यपत्र जारी किया है। कार्यपत्र जारी करने के बाद भी हमें ये समझ में आ रहा है कि सरकार ने कार्यपत्र जारी करने के बाद संशोधित करने के बाद जिस प्रकार से हमें इग्नोर किया जाता है वो थूक के चाटने वाली बात कर रखी है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे लेखपाल विभिन्न विभागों के 52 विभागों के विभाग का काम करते हैं, चाहे वो जिस विभाग का काम हो, चाहे विधवा पेंशन की सत्यापन का काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन की सत्यापन का काम हो, चाहे किसान सम्मान निधि का काम हो, चाहे कृषक दुर्घटना का काम हो, चाहे किसानों की क्रय विक्रय केंद्र का काम हो, चाहे अलाव जलाने का काम हो, चाहे इन नेताओं की वीआईपी का काम हो, हमारा लेखपाल सारा काम करता है। इसके बाद भी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं एक भी बात सुनने को नहीं तैयार है। चूंकि हमारी मांग जायज है, हम किसी भी हालत में चाहे जितना दंडात्मक कार्रवाई करें किसी भी हालत में हमारा आंदोलन पीछे नहीं होगा जब तक हमारी ग्रेड पे और हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्योंकि लेखपाल आज का विभाग नहीं है, लेखपाल कोडरमर के जमाने से बना हुआ विभाग है, उस समय से हमारा विभाग है। हमसे जो पीछे विभाग थे वो हमसे आगे हो गए। अध्यापक का ग्रेड पे हमसे कम था, अन्य विभागों का ग्रेड पे हमसे कम था जब हमें नौकरी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन 10 साल में 20 साल में हमारे ग्रेड पे को बहुत नीचे कर दिया गया और लेखपालों के अस्तित्व पर खतरा है। लेखपाल किसी भी हालत में अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए इस दरी और फट्टे पर लगा रहेगा, चाहे जितने दिनों तक लगा रहना पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार बुंदेला, जिला मंत्री लेखपाल संघ बांदा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचंद यादव। किन मांगों को लेकर लेखपाल संघ जनपद शाखा बांदा? हम जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 5 नवंबर से हम लोग अपना आंदोलन निश्चित समय से जो है अनवरत रूप से कार्यरत के रूप में चल रहा है। इसमें पहले हम 5 नवंबर को जो है अपने जो अतिरिक्त बस्ते थे उनको रखवा दिया था। इसके बाद हम 14 नवंबर को रक्तदान के माध्यम से अपने स्थापना दिवस में शासन को ये चेताया था कि हमारी मांगों को मान लें। इसके बाद हमने मोटरसाइकिल यात्रा किया था, उससे भी सरकार को चेताया था कि हमारी ये 800 की मांगे माने। इसके बाद कैंडल मार्च किया था, पुनः जो है 5 दिसंबर को हम लोगों ने शासन को पुनः चेताया कि अब हमारी अगर मांगे नहीं मान ली जाती तो 10 तारीख से 10 दिसंबर से हम कलमबंद हड़ताल कर देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में 3 दिन तक जो है तहसील मुख्यालयों पर हमने कलमबंद रखा। इसके बाद 13 तारीख से पूरे प्रदेश में इन 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग जो है
धरना एवं बहिष्कार कर रहे हैं, जो आज 12वां दिन है। आज मतलब आपको यहाँ पर हुए 12 दिन हो गए? 12 दिन से प्रकृति पर आप लोग यहाँ हैं? जी जी जी, उसमें जो है वेतन विसंगति है।